हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायर स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट साइंस हो जाता है, उसके कुछ जो आपके लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले जैसा कि रोज करते हैं कि सबसे पहले उनके पॉइंट्स को समझते हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद आपकी सीरीज की तरफ चलते हैं, तो उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल पर अभी आपने विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा और फ्रेंड्स एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। हालांकि आप लोग कर ही देते हैं, ये तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम आज का जो फर्स्ट पॉइंट है उस पर डिस्कस करते हैं। पॉइंट आपका हो जाता है आयतन और उसकी माप। तो आयतन क्या होता है? आयतन मतलब ये होता है कि जैसे कोई वस्तु है, कोई चीज है, मान लीजिए एक जार ही है छोटा सा और एक ये थोड़ा सा बड़ा जार है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो आपका एक जार है, ठीक है, और ये एक दूसरा जार है, फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें क्या चीज है आपने देखी, ये छोटा है इसलिए इसने कम जगह घेरी यानी कम स्थान घेरा, और ये बड़ा है यानी इसने बड़ा स्थान घेरा। अब आप समझे, जैसे ये एक सर्किल है, गोला है और एक ये सर्किल है। अब आप बताएं कि किसने ज्यादा स्थान घेरा, तो जिस जो बड़ा है उसने ज्यादा स्थान घेरा। यानी आयतन और उसकी माप का मतलब ये हो जाता है जो ज्यादा स्थान घेरता है वो उसका आयतन कहलाता है। देख लेते हैं, ये छोटी जो छोटी वस्तु होगी वो कम स्थान घेरती है और जो बड़ी वस्तु होती है वो ज्यादा स्थान घेरती है। इसी तरह से आप समझ लें, अगर इसमें आपने कोई कम चीज डाली और इसमें आपने पूरा भर दिया तो ये क्या है, ये इसका आयतन है ना। इसमें ज्यादा भाई ज्यादा चीजें आप भरेंगे तो ज्यादा जगह घेरी जाएगी और कम है तो कम जगह घेरी जाएगी। तो ये चीज हो जाती है यानी आयतन और उसकी माप। तो बात तो आप इसी तरह से कर सकते हैं। अब द्रव्यमान की हम बात कर लेते हैं। द्रव्यमान मतलब जैसे आप गए बाजार, वहाँ पे आप ग्रोसरी शॉप पे गए, ठीक है, वहाँ पे आपने क्या खरीदा, आपने चीजों को खरीदा, आपने कुछ चीनी खरीदी, चावल खरीदा, थोड़ा सा आटा भी खरीदा, थोड़ा सा दालें भी खरीदी, तो आपने कैसे उसको खरीदा। तो ऐसे ही तो नहीं कि हमको ये दे दो और उसने दे दिया, उसकी कोई माप तौल नहीं हुई। आपने कहा कि भाई हमें एक किलो दाल चाहिए, एक किलो चीनी चाहिए, दो किलो आटा चाहिए, आपने ऐसे कहा। कोई चीज आपने क्या कहा कि हमें ये 50 ग्राम चाहिए, कोई चीज आपने कही 100 ग्राम चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि जब आप बाजार जाते हैं, ग्रोसरी शॉप में जाते हैं, तो वहाँ पे चीजों को जब खरीदते हैं तो माप तौल कर खरीदते हैं। और जो दुकानदार होता है वो क्या करता है, आपको चीजें कैसे देता है, वो नाप तौल कर देता है ना। तो उसके पास एक नापने का एक यंत्र होता है जिसको आप क्या कहेंगे, भाई देखिए अगर जैसे चीनी वगैरह हो जाती है तो इसको क्या करते हैं, केजी किलोग्राम से मापते हैं, है ना। जैसे ऑयल वगैरह हो जाता है, जैसे जो द्रव्य चीजें हो जाती है उसको लीटर से मापते हैं। यानी हर एक चीज नाप तौल कर ही दी जाती है। वो बात अलग की है कि आपने द्रव्य चीजें खरीदी है तो वो लीटर के हिसाब से मापी जाती है, आपने जैसे चीनी दालें ये चीजें खरीदी है तो उसको केजी से किलोग्राम से आपको माफ कर देते हैं। तो हर एक चीज आपको माप तौल कर ही दी जाती है। और इसको समझे जैसे आपको हो जाता है, जैसे एक किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो एक किलो में 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप क्या कहते हो कि 100 ग्राम हमें कोई चीज चाहिए, यानी 10वां हिस्सा, एक किलो का 10वां हिस्सा, 250 ग्राम, यानी कि एक किलो का चौथाई हिस्सा, यही तो हुआ ना। 250 ग्राम आपने खरीदा, आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं इसको एक पाव, तो एक पाव खरीदा, दो पाव खरीदा, तो एक पाव कितने का कितना हुआ, 250 ग्राम हुआ, और दो पाव कितना हुआ, तो 500 ग्राम हुआ, यानी आधा किलो हुआ, कितना हुआ, तो आधा किलो हुआ। और जब आपने 1000 ग्राम खरीदा तो कितना हुआ, तो पूरा 1 किलो हो जाता है। तो इसी तरह से 1-1 किलो करके 5 किलो बनता है और 1-1 किलो करके 100 किलो बनता है, तो 100 किलो
100 किलो को तो ऐसे तो नहीं कहेंगे आप हमें 100 किलो ये चीज दे दो। इसकी भी एक भाषा है, भाषा का मतलब है कि जब आप 100 किलो की कोई चीज खरीदते हो तो उसको बोलते हो एक कुंटल, हमें एक कुंटल दे दीजिए, है ना। एक कुंटल कोई चीज भैया मंडी गए, सब्जी मंडी गए, वहाँ पे कोई चीज आपने खरीदी 100 किलो खरीदी, तो आपने कहा हमें एक कुंटल ये चाहिए। मान लीजिए आपने आलू खरीदा, तो आलू की बोरी कितने की हुई, तो बोली कितने वजन की हुई, तो बोली एक कुंटल की। यानी अगर आपको पता है चीजें कि एक कुंटल का मतलब क्या होता है, 100 किलो होता है, ठीक है। और इसी तरह एक किलो तो 1000 ग्राम, 100 ग्राम, 100 100 100, इस तरह से 10 जगह आप रखिए तो 1000 ग्राम, तो यानी वो 1 किलो हो जाता है। इसी तरह से लीटर आपको हो जाता है, भाई 1 लीटर उसमें आधा लीटर होता है, आधे लीटर का भी आधा लीटर होता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में एक पाव बोलते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हो जाती है, ये द्रव्यमान हो जाता है जिससे आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो माप तौल कर ये खरीदते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रेन वाटर हॉर्स वेस्टिंग। ये क्या होता है रेन वाटर हॉर्स वेस्टिंग, भाई मैम हमारी समझ में ये चीज तो आ रही है रेन वाटर यानी वर्षा का जल, लेकिन हॉर्स वेस्टिंग ये नहीं समझ में आ रहा भाई, ये तो हमने पहली बार पढ़ा है। ऐसा नहीं है, आपने पहली बार नहीं पढ़ा है, आपको सिर्फ ध्यान नहीं है, बाकी ऐसा नहीं है कि आपने इसको कभी देखा नहीं है, आपकी नजर के सामने ये चीज नहीं पड़ी। तो हम आपको बताते हैं रेन वाटर यानी कि वर्षा का जो जल है, तो क्या वर्षा का जल कहीं पे संचित किया जाता है, तो जी हाँ बिल्कुल संचित किया जाता है। क्यों संचित किया जाता है, क्योंकि ये हमारे काम आता है। जब वर्षा नहीं होती है तो हम उस वर्षा के जल को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, अपने प्रयोग में लाते हैं। प्रयोग में कैसे लाते हैं, जैसे राजस्थान, आप राजस्थान की अगर हम बात कर लेते हैं, आप लोगों से इस पर डिस्कस कर लेते हैं, तो राजस्थान में क्या होता है कि जो वर्षा होती है बहुत कम होती है, वहाँ पे जो जल की किल्लत होती है बहुत ज्यादा होती है, वहाँ पे जल बहुत, मतलब आप ये सोचे कि बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिस तरह से हम लोगों को मिलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, जल बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। तो वहाँ पे ये विधि बहुत ज्यादा कामगर साबित होती है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसको क्या किया जाता है, छतों से पानी को नीचे गिराया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, और स्टोर करने के बाद जब वहाँ पे पानी की किल्लत, क्योंकि वहाँ पे तो होती ही है, तो उसको यूज किया जाता है। अपनी तरफ भी नहरें नदियां ये सभी बनवा के इनको, जहाँ पे नहीं होती है तो उनकी खुदाई करवाई जाती है, उसके बाद वर्षा का जल इसमें भरा जाता है। भरा जाने का मतलब ये होता है जैसे बारिश होने वाली है तो उससे पहले नहरें खुदवा दी जाती है, उससे पहले नदियां खुदवा दी जाती है कि जिसमें वर्षा हो और वो जल इसमें संचित हो सके, इसमें इकट्ठा हो सके। और उसके बाद इस जल का क्या होता है, तो सिंचाई के काम ये जल आता है, पशुओं के लिए ये काम आता है, वो पीते हैं, तो ये सारी चीजें हो जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं रेन वाटर हॉर्स वेस्टिंग, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कहीं पे कोई डाउट और कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। फ्रेंड्स आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, क्योंकि हर एक चीज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, और जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है और सभी क्लासेस आप देख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है समय का मापन, तो यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, समय के मापन को हम समझते हैं ये क्या होता है। तो पहले हमारे पूर्वज क्या करते थे, हमारे पूर्वज करते ये थे, जैसे अब हम लोग क्या करते हैं कि भाई टाइम कितना हुआ, तो इतना बज गया, हम लोगों ने क्या किया, घड़ी देखी, ठीक है। तो हमारी कलाई में भी घड़ी बंधी हुई है, दीवार में भी लगी हुई है, तो इन सब चीजों मतलब यानी घड़ियों से हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि कितना बजा है। लेकिन पहले हमारे पूर्वज क्या करते थे, जैसे सूरज निकला हल्का सा, तो अब इतना टाइम हो गया होगा, फिर उसके बाद क्या होता था, ज्यादा जब सूरज सिर पे आता था तो हाँ भाई अब इतना बज गया होगा, आधा पहर हो गया है, फिर अब दोपहर हो गया है, दोपहर के बाद का समय हो गया है, सूरज ढलता था, तो ये मतलब सारी चीजें क्या होती थी, इससे जानकारी लेती थी, ली जाती थी कि कितनी छाया है, छाया के अकॉर्डिंग टाइम का पता लगाया जाता था। लेकिन उसके बाद घड़ी का आविष्कार हुआ, घड़ी के आविष्कार से ये चीजें हो गई कि फिक्स हो गया कि अब 1 बजा है 2 बजा है 3 बजा है या 3 बज के 10 मिनट हो गए हैं, इतने सेकंड हो गए हैं, अब सेकंड तक आप लोग जानते हैं, है ना, ये चीज हो जाती है। तो यही क्या होता है, समय का मापन होता है। भाई समय का मापन इसका यूज क्या होता है, तो आप विद्यालय जाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, तो कैसे जाते हैं, आप ऐसे ही पहुंच जाते हैं, बस सो के उठे और चले गए, ऐसा नहीं, आपको पता है हमें 10 बजे जाना है, तो आपको 10 बजे जाना है तो आप क्या करेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग ही तो निकलेंगे। आपकी छुट्टी कितने बजे होनी है, 5 बजे होनी है, तो आपने टाइम
आपकी छुट्टी हो गई है ना, ऐसे ही आप स्कूल जाना है आपका, मान लीजिए 7 बजे का टाइम है स्कूल जाने का और 2 बजे वापस आने का, तो आपको कैसे पता चला? घड़ी के माध्यम से, टाइम के माध्यम से, है ना। तो ये चीज होती, इसलिए हमारे लिए घड़ी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आज तो ऐसा है कि हर काम इंसान फिक्स कर लेता है टाइम के अकॉर्डिंग, कि इतने मिनट में हमें ये करना है, इतने घंटे में हमें ये करना है, ये सारी चीजें ऐसे ही चलता है। दिन के 24 घंटों को लोग इसी तरह से क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं, यानी टाइम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है, तो समय का मापन ये हो जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज आप लोगों ने क्या समझा, आपने आयतन और उसकी माप को जाना, उसके बाद द्रव्यमान को जाना, उसके बाद क्या रेड मोटर हॉट बेल्टिंग को जाना, और उसके बाद समय का मापन इसको जाना। आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी, कहीं पे कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आपको डाउट है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज नहीं समझ में आई है, तो आप लोग कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं सीरीज की तरफ। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हो जाता है आयतन का क्या तात्पर्य, इसके मापन को समझाएं। तो आयतन और उसके माप, आप यहाँ पे समझ सकते हैं आसपास की वस्तुओं को यह जानने के लिए ध्यान से देखते हैं कि कौन सी वस्तु कम जगह और कौन सी वस्तु अधिक जगह घेरती है। आप पाएंगे कि छोटी वस्तुएं कम स्थान घेरती हैं। भाई ये तो है ही भाई, अभी आपने ये छोटा सा बनाया एक डिब्बा और एक बड़ा सा बना दिया, तो आपको पता है कि इसने क्या क्या कम स्थान घेरा, यानी कम जगह घेरी, और इस वाले जो बॉक्स को हमने बनाया इसने क्या क्या ये ज़्यादा जगह घेर रहा है। हमने ये छोटा सा सर्किल बनाया, एक बड़ा सा सर्किल बनाया, अब बताइए कौन ज़्यादा जगह घेर रहा है। तो जो बड़ा सर्किल है ये ज़्यादा जगह घेर रहा है, जो छोटा सर्किल है ये क्या कर रहा है, कम जगह घेर रहा है। तो क्या होता है कि कौन सी वस्तु अधिक जगह घेरती है, आप पाएंगे कि जो छोटी वस्तुएं हैं वो क्या कर रही हैं, वो कम स्थान घेरती हैं, और जो बड़ी वस्तुएं होती हैं वो स्थान क्या करती हैं, ज़्यादा भाई घेरती हैं। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं, कि आयतन किसको कहते हैं, आयतन देखिए जो हो जाता है, जो जगह किसी वस्तु द्वारा, कोई वस्तु है उसके द्वारा जो स्थान घेरा जाता है वो क्या कहलाता है, वो आयतन कहलाता है ना। घनाकार वस्तुओं का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। घन, घन क्या होता है, कुछ इसी तरह का तो होता है ना, घन ऐसे ही तो होता है। तो क्या है कि घनाकार यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है, इसका मानक मात्रक घन मीटर यानी m³ होता है। घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक दूसरे के बराबर होती है। घन का आयतन भुजा की लंबाई क्यूब है, और द्रव्य जो चीज़ें हैं, द्रव्य यानी जैसे दूध हो गया, पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, ये सब क्या हैं, तो ये द्रव्य हैं, इनकी माप, इनके आयतन के माप कर बेचा जाता है। भाई इनको कैसे बेचते हैं, आप खरीदने जाते हैं दुकान पर, तो इनको आपको कैसे दिया जाता है, तो ये द्रव्य है तो इनको लीटर से माप कर दिया जाता है। इनका आयतन क्या है, लीटर में व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है, लीटर में। भाई हम कोई चीज़ लेने जाते हैं ऐसे द्रव्य पदार्थ को, तो क्या होता है, लीटर में इसको मापा जाता है, तो लीटर से व्यक्त किया जाता है। और अधिकांश द्रव्यों के आयतन की माप के लिए विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का उपयोग किया जाता है ना। जैसे इस तरह से लीटर बना होता है ना, उसमें एक इस तरह से पकड़ने वाला बना होता है, तो इस तरह से माप के दिया जाता है कि 1 लीटर का है या 2 लीटर का है, 3 लीटर का है, 5 लीटर का है, आधा लीटर का है, 250 ग्राम का है, इस तरह से। जब कोई बर्तन द्रव्य से पूरा भर जाता है तो उसे द्रव्य के बर्तन के अंदर का पूरा स्थान घिर जाता है। भाई क्या होता है, ये आपने एक पात्र ले लिया, एक बर्तन ले लिया, अब उसमें आपने कोई चीज़ भर दी, मान लिया अभी छोटा थोड़ा सा इसमें कुछ भरा हुआ है, तो इसने इतना स्थान घेरा। अगर ज़्यादा होता तो ये पूरा स्थान घेर लेता, तो जितना होगा तो उतना ही तो स्थान घेरेगा ना। बर्तन का यही स्थान उसका भीतरी आयतन होता है, जिसे उस बर्तन की धारिता कहते हैं, और बर्तन की धारिता की माप लीटर में की जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि आपका हो जाता है 1000 घन सेंटीमीटर, तो 1 लीटर होता है, और 1000 लीटर तो 1 घन मीटर होता है, 1000 घन मीटर तो 1 क्यूसिक होता है, और 1000 × 1000 लीटर तो 1 क्यूसिक है, 1 लाख लीटर तो 1 क्यूसेक है, और क्यूसेक आयतन की बड़ी इकाई होती है। भाई देखिए
10 लाख लीटर, तो क्यूसेक ही तो हुआ ना, तो आयतन की सबसे बड़ी इकाई हो गई, यानी बड़ी इकाई हो गई। तो क्यूसन क्या है, तो आयतन की बड़ी इकाई है। उसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आप लोगों को जो ये आपका आयतन है उसके बारे में समझ में आ गया होगा। आयतन क्यों होता है, तो जो जगह घेरता है ना, तो उसको आयतन कहते हैं। यानी आपके जो छोटी चीज़ होती है तो क्या होता है, कम जगह घेरती है, बड़ी चीज़ है तो ज़्यादा जगह घेर रही है, यही इसका क्या होता है, तो आयतन कहलाता है। द्रव्यमान के मापन को सविस्तार समझाएं, तो द्रव्यमान के मापन जब भी हम क्या करते हैं, अनाज फल या सब्जी खरीदते हैं, तो दुकानदार सामान को किस माप से देता है। प्रिया माप पे यानी बात क्या हम लोग पाते हैं कि वो किलोग्राम या ग्राम में तौलकर सामान देता है। बिल्कुल सही बात है भाई, हम कोई चीज़ खरीदने गए, मान लीजिए फल खरीदने गए या हम ग्रोसरी की शॉप पर गए, तो वहाँ पे हमने चीनी खरीदी, आटा चावल जो भी होता है सभी चीज़ें हमने खरीदी, या उसमें से कुछ चीज़ें हमने खरीदी, तो हमें क्या वहाँ से हमने क्या सीखा, हमको क्या चीज़ पता चली कि वो हमको माप कर तौल कर चीज़ दे रहा है। और हम भी क्या है, हमको पता है कि हमें तौल कर लेनी है चीज़ें, तो हम भी क्या करते हैं, तौल कर चीज़ें लेते हैं। प्रिया पाते क्या है कि किलोग्राम या ग्राम में तौल कर सामान दिया जाता है। भाई बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें 1 किलो लेना है तो वो किलोग्राम में हमें देगा, है ना। ग्राम में हमें 100 ग्राम लेना है, 50 ग्राम लेना है, क्योंकि हर एक चीज़ तो हम किलो में नहीं लेते हैं ना, कुछ चीज़ें हम ग्राम में लेते हैं, कुछ चीज़ें हम किलो में लेते हैं, कुछ चीज़ें तो हम कुंटल के हिसाब से लेते हैं। कुंटल किसको कहते हैं, जैसे 100 किलो मिलकर एक कुंटल बनता है, तो इस तरह से। लेकिन जो भी सामान हम खरीदेंगे, मतलब कहने का ये हो जाता है कि वो हमको तौल कर ही मिलेगा। किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण यानी मात्रा होता है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। एक समानता के लिए समस्त संसार में अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक प्रणाली SI यूनिट का उपयोग किया जा रहा है। द्रव्यमान का मानक मात्रक किलोग्राम है, इसे संक्षेप में किलोग्राम से व्यक्त करते हैं। दैनिक जीवन में आवश्यकता अनुसार इसके छोटे तथा बड़े मात्रकों का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसी हमारी आवश्यकता होती है हम उसके हिसाब से हम चीज़ों को लेते हैं, खरीदते हैं। तो 1 किलोग्राम कितना होता है, तो 1000 ग्राम होता है। इसको आप अच्छे से याद, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा कि कितने किलोग्राम में कितना होता है ये सभी चीज़ें। तो 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम होता है, और 100 किलोग्राम यानी 1 कुंटल कहलाता है, यानी कहलाता क्या होता ही होता है। 10 कुंटल 1 टन होता है। अब 1 टन अगर पूछें आपसे कि 1 टन क्या होता है, तो 10 कुंटल होता है। इसी प्रकार ग्राम से भी छोटी इकाई मिलीग्राम होती है। मिलीग्राम जब आप गोल्ड वगैरह खरीदने जाते हैं तो आपको जैसे कहते हैं 1 तोला और 10 मिलीग्राम ऐसे करके आपको देते हैं ना, या आपने जितना भी ख़रीदा, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका एक्यूरेट तोले में ही निकले, आपका मिलीग्राम में भी निकलता है ना। तो 1 ग्राम तो 10 मिलीग्राम होता है। और उसके बाद क्या होता है, जैसे आपने 1 ग्राम यानी 1 तोला जिसको बोलते हैं, तो 1 ग्राम होता है। उसके बाद क्या होता है, वो 1 ग्राम 10 मिलीग्राम है ना, और आपका क्या हो जाता है, सामान वस्तुओं को तोलने के लिए बाजार में तराजू तथा पैन बैलेंस का उपयोग करते हैं। प्रयोगशालाओं में द्रव्यमान के सही मापन के लिए भौतिक तुला का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको हो गया। उसके बाद है रेन वाटर हार्स वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं, तो वर्षा जल को एकत्र करना ही रेन वाटर हाई वेस्टिंग कहते हैं। जैसे जब वर्षा होती है तो हम क्या करते हैं, वर्षा के जल को इकट्ठा करते हैं, तो जो वो इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है, रेन वाटर हाई वेस्टिंग कहलाता है। जैसे छतों से पाइप लगाकर मकान के नीचे वर्षा जल को एकत्रित करना, जो समय पर काम आ सके, जो कि अधिकांशतः राजस्थान में होता है। राजस्थान में देखिए गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पानी की किल्लत भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इस तरह से किया जाता है। और वैसे भी जो वर्षा का पानी होता है, बारिश का पानी होता है, उसको क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, नदियाँ खुदवाई जाती हैं, नहरें खुदवाई जाती हैं, और उसमें पानी भर जाता है, तो वो भी तो इकट्ठा ही, उसको भी तो आप बोलेंगे, है ना।
कुओं में बारिश का पानी जाता है तो वो भी तो हुआ, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे राजस्थान नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत रहती है ना। बाकी जहाँ पे इकट्ठा किया जाए तो इकट्ठा करना जो है वो कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा मापी यंत्र रेन गेज को समझाएं, इसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। तो रेन गेज मीटर की सहायता से वर्षा की स्थिति को मिलीमीटर में मापा जा सकता है। और वर्षा को मापने के लिए एक चौड़े मुंह का बर्तन लेते हैं और जिसकी आकृति पेंदी से लेकर सिरे तक एक समान हो, और इस बर्तन को ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहाँ पर वर्षा का पानी बर्तन में गिरने में कोई रुकावट ना हो, है ना। जैसे जब वर्षा हो जाती है तो उसके बाद ये कहा नहीं जाता इतना पानी बरसा है, इतनी बारिश हुई, तो कैसे माप कर ही तो कहते हैं ना। तो उसके लिए क्या होता है, ऐसी जगह पे बर्तन को रखा जाता है जहाँ पर वर्षा का पानी बिना कहीं पे रुकावट के उसी में गिरे, है ना, तो तब उसको मापा जाता है। तो इस प्रकार उस बर्तन में एकत्रित हुए पानी को समय के आधार पर माप लिया जाता है। यह प्रक्रिया वर्षा मापी कहलाती है। वर्षा मापक यंत्र का निर्माण करने के लिए आवश्यक है स्केल, चाकू, रबड़ के छल्ले, प्लास्टिक की बोतल। निर्माण करने की प्रक्रिया सबसे पहले चाकू की सहायता से बोतल को दो भागों में बांटा जाता है, ऊपर का कीपनुमा भाग तथा दूसरा नीचे का भाग। रबड़ के छल्ले का सहारा लेकर स्केल को बोतल के नीचे वाले भाग में लंबवत स्थिति में लगाया जाता है, फिर पहले वाले की भाग को इसके ऊपर लगाते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करते ही उसका वर्षा मापी मीटर या यंत्र रेन गेज तैयार हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स में शून्यांक त्रुटि को परिभाषित कीजिए। तो वर्नियर कैलिपर्स में पट्टी एक्स किसी बर्तन की गहराई मापने के लिए होती है। जिस समय ए और बी तथा सी और डी एक दूसरे को स्पर्श करते हैं उस समय मुख्य स्केल और वर्नियर दोनों के शून्य चिन्ह एक ही में होते हैं, परंतु कभी कभी मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल दोनों के शून्य बिल्कुल एक सीध में नहीं होते हैं, बल्कि उसमें कुछ अंतर होता है। दोनों शून्य के इस अंतर को शून्यांक त्रुटि कहते हैं। समय का मापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे समझ लेते हैं कि यदि हमारे पास घड़ी नहीं है तो आप कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है। क्या कभी हमें यह जानने की उत्सुकता हुई है, हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे। तो भाई देखिए, पहले क्या था, पहले घड़ियां तो नहीं थी, तो उससे जब घड़ियां नहीं थी तो हमें समय का ज्ञान तो कुछ ना कुछ करना था भाई, कि सुबह हो गई, शाम हो गई, कितना बज गया होगा, कैसे। तो जो हमारे पूर्वज थे तो उन्होंने वो क्या करते थे कि थोड़ी सी जैसे धूप आई तो वो समझ गया अब इतना हो गया, सूरज निकला तो वो समझ गए इतना बज गया है, थोड़ी सी परछाई को देखा, मतलब इस तरीके से वो छाया को देखकर और कैसा, मतलब जैसे दिन में कितने रूप होते, कभी ज़्यादा धूप होती है, कभी हल्की सी होती है, तो ये सब चीज़ों को देखकर अनुमान लगा देते थे कि अब इतनी छाया गई है, अब इतनी तेज़ धूप निकली है, यानी इतना बजा होगा, अब इतनी कम हो गई है, अब इतना बज गया होगा, तो इस तरह से यानी बज गया है, इस तरह से अनुमान लगाया जाता था। मगर अब क्या, अब हर एक चीज़ घड़ी से होती है भाई। हर एक चीज़ क्या मतलब कहने का कि अनुमान अब तो नहीं है, अब तो एक्यूरेट है ना। तो समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से। बोलचाल में जब हम अपने मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। प्रायः हमें एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे घर में स्कूल पहुंचने के लिए, ट्रेन अथवा बस से यात्रा करने के लिए, रेडियो अथवा टेलीविज़न के माध्यम से समाचार सुनने तथा किसी निश्चित कार्यक्रम को देखने के लिए समय का ज्ञान आवश्यक होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। समय की अवधि की मापन सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, माह एवं वर्ष में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो समय की अवधि का मापन कैसे किया जाता है तो सेकंड में भी किया जाता है, मिनट में भी किया जाता है, घंटे में भी किया जाता है, दिन में भी किया जाता है, वर्ष में भी किया जाता है। वर्ष में भाई देखिए कि भाई 365 का एक दिन होता है, एक लीप वर्ष 366 दिन का होता है, एक महीने में 30 दिन होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरह से सभी चीज़ें क्या होती हैं, मापी हुई हैं, तौली हुई हैं, समझ लीजिए, जिसको आप इस तरह से कह सकते हैं, है ना। मशीनों घड़ियों के आविष्कार के पूर्व में किन घड़ियों से मापा जाता है, सूर्य घड़ी, बालू घड़ी आदि। समय के मापन हेतु अनेक प्रकार की घड़ियों का उपयोग किया जाता है।
समय माप के लिए दीवार घड़ी, कलाई वाली घड़ी, मेज पर रखने की घड़ी, टेबल वॉच का उपयोग साधारण रूप से किया जाता है। इन घड़ियों में सेकंड, मिनट तथा घंटे की सुइयां लगी होती हैं, जिसकी सहायता से घंटा, मिनट, सेकंड का ज्ञान होता है। समय का मानव मात्रक सेकंड। किसी धावक द्वारा 200 मीटर की दूरी तय करने में लगे हुए समय की सही मापन इन घड़ियों द्वारा की जाती है। ठीक है, मापन की विधियों को बताएं। अभी थोड़ा सा और रह रहा है, अभी थोड़ा सा है, 2 से 3 क्वेश्चन है। मापन की विधियाँ, MKS विधि। इस विधि में लंबाई के मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम व समय को सेकंड में मापा जाता है, या इन इकाइयों के मात्रक हैं। CGS, तो इस विधि में लंबाई, समय और द्रव्यमान को मात्रकों की सहायता से मापा जाता है, इसे CGS पद्धति कहा जाता है। उदाहरण, लंबाई को सेंटीमीटर में, समय को सेकंड में और द्रव्यमान को ग्राम में। SI विधि या पद्धति मापन की अंतर्राष्ट्रीय विधि है, जो संपूर्ण संसार में प्रयोग की जाती है। इस विधि में लंबाई व भार के अतिरिक्त 4 मूल इकाइयाँ होती है, जिसमें से 2 को पूरक इकाई कहते हैं तथा उपयुक्त 6 इकाई मूल भौतिक राशियों के मात्रकों की मूल राशियों के मूल मात्रक कहे जाते हैं। लंबाई का मूल मात्रक मीटर तथा विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर कहलाता है। बोतल की लंबाई तथा वृत्त का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जा सकता है, उसका नाम बताते हुए उस यंत्र का अल्प मात्रक लिखिए। तो बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास के मापन के लिए वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग किया जाता है। इसके लिए बेलन की आंतरिक तथा बाहरी त्रिज्या को दशमलव के दूसरे अंक का उचित रूप में मापा जा सकता है। किसी एक मापक यंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। यह आप लोगों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चित्र सहित आता है आपका, तो आपको क्या करना होता है, एक्सप्लेन भी करना होता है, चित्र भी बनाना होता है। तो अब आप कहेंगे इतना मैम कैसे कर पाएंगे, चित्र तो हमें थोड़ा सा टफ लग रहा है। बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से आप बना सकते हैं। बस 2 से 3 बार आप बनाएंगे और आपका हाथ सेट हो जाएगा, और जब सेट हो जाएगा तब आप अच्छे से बना पाएंगे। तो भाई इसकी प्रैक्टिस तो आपको करनी ही रहेगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। कहते हैं अभ्यास के बिना ज्ञान अधूरा है। ज्ञान क्या, जब चीज़ें आप अभ्यास में नहीं लाएंगे तो चीज़ें तो आप भूल ही जाएंगे। तो जो अभ्यास होता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिए। इसके जो नाम है, जैसे यहाँ पे ABCD पेच, यहाँ पे पेच लगे हुए हैं ये, और ये वर्नियर पैमाना है, मुख्य पैमाना है, ये इंचों में। तो ये तो बहुत, देखिए आपने जो पैमाना स्केल जो आप यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से आप इतना तो आपने बना ही लिया। उसके बाद आपने इस तरह से ये पेज वाला आपने हिस्सा बना लिया, और उसके बाद आपने क्या किया, इस तरह से इसको बना दिया। तो इसमें कहाँ पर दिक्कत है, कोई तो दिक्कत नहीं है। वर्नियर कैलिपर्स को संलग्न चित्र से दिखाया गया है। यह यंत्र वर्नियर कैलिपर को सिद्धांत पर बना है। इस यंत्र में मुख्य पैमाना एक लोहे की पट्टी पर बना होता है, जिसमें एक किनारे पर सेंटीमीटर अथवा मिलीमीटर के चिन्ह बने होते हैं, और दूसरे किनारे पर इंच एवं लंबाई उसके 10वें भाग के बने होते हैं। और वर्नियर स्केल उस पर खिसकने वाली दूसरी लोहे की पट्टी पर बना होता है। ज़्यादातर वर्नियर स्केल के 10 भाग लंबाई के मुख्य स्केल के 9 भागों के बराबर होते हैं। मुख्य स्केल के वर्नियर की बाईं तरफ के सिरों की 2 भुजाएं लंबाई के साथ समकोण बनाती हुई लगी होती हैं। भुजाओं के सिरे AB बाहरी मोटाई नापने के लिए, CD किसी खोखली वस्तु भीतरी व्यास मापने के लिए होते हैं, AB तथा C सिरे यंत्र जबड़े कहलाते हैं। पट्टी X बर्तन की गहराई मापने के लिए होती है, जिसे समय A और B, C तथा D एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। उस समय मुख्य स्केल और वर्नियर दोनों के चिन्ह शून्य चिन्ह एक ही सीध में होते हैं, परंतु कभी कभी मुख्य स्केल और वर्नियर दोनों के शून्य बिल्कुल एक सीध में नहीं होते, बल्कि उसमें कुछ अंतर होता है। दोनों शून्य के इस अंतर को शून्यांक त्रुटि कहते हैं, या वर्नियर की सहायता से पढ़ ली जाती है। वर्नियर कैलिपर के माप शुरू करने के लिए पहले शून्यांक त्रुटि को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। किलोग्राम को मिलीग्राम, हेक्टोग्राम तथा कुंटल में बदलिए। तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, तो यहाँ पे आप देख लें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख मिलीमीटर 1 किलोग्राम, 10 हेक्टोग्राम और 1 किलोग्राम 1/100 कुंटल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये तो पता ही है कि एक, यानी 1 किलो जो होता है उसमें कितने ग्राम होते हैं, तो 1,000 ग्राम होते हैं, और 1 कुंटल में कितने होते हैं, तो 100 किलो होते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अदिश एवं सदिश राशि में अंतर स्पष्ट उदाहरण देकर समझाएं। तो अदिश यानी सदिश राशि कौन होती है, जिस भौतिक राशि में परिणाम तथा दिशा दोनों में निहित होते हैं, सदिश राशि कहलाते हैं। उदाहरण जैसे वेग, बल, संवेग इत्यादि। अदिश जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण का ज्ञान होता है परंतु दिशा का ज्ञान नहीं होता है, अदिश राशि कहलाते हैं। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ये हो जाते हैं।
तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कहीं पे आपको कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन लोगों ने कर रखा है तो उनको तो नहीं करना रहता है, क्योंकि सब्सक्राइब तो एक ही बार करना रहता है। हाँ, लाइक आपको हर क्लास को करना रहता है, तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो अपने 5 फ्रेंड्स में वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।